the next topic is nutrition in plants. In the previous slide, we have learned about the autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. So, it is very clear now ki jo plants honge, usme autotrophic mode of nutrition hoga. Hai na? Ye to hum pad chuke hain. Now, what is autotrophic mode of nutrition? Yani ki wo nutrition jisme organisms jo hote hain, khud se apna khana bana lete hain, raw inorganic substances ko use karke. Now, raw inorganic substances यानी कि वो substances जो कि non-living things से वो derive कर रहे हैं, जैसे कि water है, carbon dioxide है, sunlight है, ये सब क्या है? Non-living है, जबकि heterotrophic organism दूसरे living beings पर feed करके अपना nutrition gain करते हैं या कहिए derive करते हैं, है ना? तो अगर अब हम बात करें nutrition in plants की, तो सबसे पहली चीज जो हो जाएगी वो यही होगी कि they have autotrophic mode of nutrition, that is they can prepare their own food by the process of photosynthesis. Now, अब हमने एक नया टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया कि photosynthesis. देखो, इससे भी पहले अगर हम बात करें तो प्लांट्स को ही ये स्पेशल चीज क्यों मिली है, ये जो स्पेशल गिफ्ट है वो प्लांट्स को ही क्यों मिला है, व्हाई नॉट एवरी एनिमल, एवरी लिविंग बीइंग जो कि इस प्लैनेट पर है उनको ये स्पेशल फीचर क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जो गॉड हैं उन्होंने जो प्लांट्स के साथ थोड़ी इनजस्टिस करी है, ठीक है? क्या इनजस्टिस करी है? कि उनको चलने फिरने के लिए बैन लगा दिया है, कि उनको एक ही जगह पर रहना है एंड उसी जगह पर उनको अपनी ग्रोथ करनी है, जबकि बाकी सारे एनिमल्स को ये फैसिलिटी दे रखी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, है ना? पर प्लांट के साथ बहुत बड़ी इनजस्टिस करी कि वो एक ही जगह पर क्या है, फिक्स्ड है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उन पर अटैक कर सकता है एंड वो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, अपने प्रोटेक्शन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसी वजह से गॉड ने उनको ये स्पेशल गिफ्ट दिया है कि ठीक है, तुम अगर कहीं चल फिर के अपना खाना नहीं ढूंढ सकते हो तो लो, मैं तुम्हें ये एबिलिटी दे देता हूँ कि तुम खुद से खाना बना लो, है ना? तो यही चीज़ है. तो प्लांट्स को गॉड ने ये स्पेशल एबिलिटी इसीलिए दी है क्योंकि दे आर फिक्स्ड इन देयर प्लेसेस, है ना? वो चल फिर नहीं सकते. जैसे हमें भूख लगी तो हम तो चल फिर के किचन में जाएंगे, अगर किचन में खाना नहीं है तो ग्रोसरी में जाएंगे और या रेस्टोरेंट में जाएंगे, है ना? खाना लेकर आएंगे या बाहर खा कर आएंगे. बट प्लांट के साथ तो ऐसा नहीं होता है, वो तो एक ही जगह पर फिक्स रहता है ना? तो अगर उन्हें भूख लगेगी एंड अगर वो चल फिर नहीं पा रहे, यानी एक ही जगह पर फिक्स है, तो क्या करेंगे? वो स्टार्व करेंगे एंड स्लोली एंड ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा एंड प्लांट ख़त्म हो जाएगा वहीं पर, है ना? तो अगर ऐसा होता तो फिर कोई भी प्लांट की स्पीशीज आज एग्जिस्ट नहीं करती, है कि नहीं? तो इसीलिए गॉड ने उनको स्पेशल स्ट्रक्चर्स दिए हैं उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से वो खुद से ही खाना बना लेते हैं एंड किसी पर भी उनको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है. नाउ अगर अब हम बात करें फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो ये आपका एक प्रोसेस है जिसमें बताया जाता है कि कैसे प्लांट इन ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करके ऑर्गेनिक फूड बनाती है, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली जो प्लांट को लेना है एज अ फूड वो आपका ऑर्गेनिक होना चाहिए. मैंने आपको बताया था कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ऐसे कोई भी कंपोनेंट नहीं होते हैं जो कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हो, ठीक है? तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को खाकर हम जिंदा नहीं रह सकते. अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर फीड करना होगा. सिंस प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वो उनके आसपास के इनऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करके एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं. एंड जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये बनाते हैं उसका नाम है ग्लूकोज, ठीक है? ग्लूकोज आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिससे कि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. आपने अपने घरों में भी देखा होगा जब गर्मी का मौसम होता है एंड आप बहुत धूप से आते हैं तो एकदम टायर्ड फील होता है, तो आपकी मम्मी आपको ग्लूकोज डालकर पिलाती होंगी एंड उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, रिफ्रेशिंग फील होता है. क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो तुरंत आपकी बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, ठीक है? बाकी अगर कोई और चीज़ खाओगे, जैसे पिज्ज़ा खाओगे या फिर दाल चावल खाओगे, तो उसको ब्रेक होकर टूटने में बहुत टाइम लगेगा, तो उसे इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगी. बट ग्लूकोज को आप खाओगे तो वो तुरंत एनर्जी मिलेगा क्योंकि वो तुरंत सेल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है?
तो देखो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक यानी कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड खुद से बना लेती हैं. नाउ मैंने आपको अभी बताया कि ये इनऑर्गेनिक चीज़ों को यूज करके एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं. ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम बताया मैंने ग्लूकोज, यानी कि ये इनऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में. नाउ अब आप बताओ कि वाई ओनली दीज सब्सटेंसेस, क्यों CO2 ही चुना, क्यों वाटर ही चुना. ठीक है, तो उसका रीज़न ये है कि हम ग्लूकोज का फॉर्मूला देखते हैं. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि हमें तीन एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है कि नहीं. तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लांट को चाहिए होगा ग्लूकोज बनाने के लिए. तो प्लांट वही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को चुनेगी जिसमें उन्हें कार्बन मिले, ऑक्सीजन मिले या हाइड्रोजन मिलेगे, है ना, तभी तो वो ग्लूकोज बना पाएगी, वरना तो बना नहीं सकती है. तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें चुनी गई हैं, मतलब दोनों, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. अब हम बात करें सनलाइट पे, तो सनलाइट जो है उसमें होती है लाइट की एनर्जी, एंड लाइट की एनर्जी को वो यूज़ करती है इस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए. देखो लिविंग बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन जब तक कोई एनर्जी हम उसको नहीं देंगे तब तक स्टार्ट नहीं होगी. आप खुद ही सोचिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपनी चाबी लगानी पड़ती है. उस चाबी को लगाते ही आपकी जो बैटरी है उसमें स्पार्क जनरेट होता है, जिसकी वजह से पेट्रोल बर्न होता है. पेट्रोल बर्न होता है तो जो उसकी हीट है वो हीट एनर्जी जो है फिर आपकी गाड़ी को चला पाती है. समझ रहे हैं? तो सेम आपका जो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को जब यूज़ करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, तो ये रिएक्शन अपने आप से नहीं होने वाली है, उसके लिए एनर्जी चाहिए. तो उस एनर्जी के लिए हम सनलाइट को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि ये तीनों चीज़ की प्लांट को क्यों रिक्वायरमेंट होती है. देखो कार्बन डाइऑक्साइड में प्लांट को सी मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा, क्या क्या, सी मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा. H2O में यानी कि वाटर जो है उसमें H मिल जाएगा. ठीक है, H, एंड जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं C6H12O6. ठीक, अब बात करते हैं ये सोर्स उन्हें कहाँ से मिलता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीव्स में होते हैं स्टोमेटा. ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे स्टोमेटा क्या होता है. तो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के सेल्स में चला जाता है. ठीक, दूसरा है सनलाइट. सनलाइट जो है उसके लिए अगेन लीव्स में होता है आपका क्लोरोफिल. ठीक है, एंड ये क्लोरोफिल जो है वो इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है ताकि रिएक्शन को प्रोसीड कर सके. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाटर. तो वाटर उसको मिलता है रूट से, तभी हम प्लांट को पानी देते हैं, क्योंकि अगर आप प्लांट को पानी नहीं देंगे तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं बना पाएगी, खाना नहीं बना पाएंगे तो फिर धीरे धीरे वो प्लांट वीक हो जाएगा, एंड देन थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, डाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पार्ट्स हैं प्लांट के, जहाँ से ये तीनों चीज़ें रिएक्शन के टाइम पर कहाँ होती हैं, कंसनट्रेट होती हैं. क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड आपका लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा में, सनलाइट क्लोरोफिल के थ्रू, एंड वाटर रूट्स के थ्रू लीव्स में पहुँचता है. अब लीव्स में क्यों पहुँचता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो साइट है, यानी कि जिस जगह पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन चलती है, वो आपका होता है लीव्स. प्लांट के तीन पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स. लेकिन इन जनरल जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो आपकी ग्रीन लीव्स में होती है. अच्छा, जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ये आपको ग्रीन वर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीन पार्ट में ही आपका फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, जैसे कि जब प्लांट आपका छोटा होता है तो उसकी स्टेम भी ग्रीन होती है एंड लीव्स भी ग्रीन होती है. तो जो फोटोसिंथेसिस है वो आपका लीव्स के साथ साथ स्टेम में भी होता है. ठीक है, सिमिलरली कैक्टस का जो पेड़ है,
कैक्टस आप सभी ने देखा होगा, तो कैक्टस में तो लीव्स होती ही नहीं है, उसमें क्या होता है, स्टेम होता है, ठीक है। तो वो जो स्टेम है वहाँ पर वो आपका फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन इन जनरल आपके लेवल पर आप बस इतना ही याद रखिए कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स में होता है, ठीक है। तो क्या प्लेस हो जाएगी, लीव्स इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। या फिर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, तो लीव्स। तो यहाँ पर आपका ये डायग्राम है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपके वाटर, CO2 एंड सनलाइट को प्लांट्स ट्रैप करते हैं। तो देखो, ये जो आपका CO2 है वो इसके थ्रू लीव्स में जा रहा है वाया स्टोमेटा, ठीक है। इसमें आपको नहीं दिखेगा, जब मैं आपको डायग्राम इसका दिखाऊंगी जूम करके तो आपको इसमें दिखाई देगा, स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे से, एंड उसके थ्रू ये CO2 आपका अंदर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाटर। तो देखो, वाटर भी दिखाया गया है, वाटर ये रूट्स के थ्रू मिनरल्स भी जाते हैं, वाटर भी जाता है। तो मिनरल्स का तो कोई काम नहीं है फोटोसिंथेसिस में, बट वाटर का है। तो वाटर ये रूट्स के थ्रू जाता है कहाँ पर, लीव्स में, क्योंकि लीव्स में ही आपका फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होनी है। नेक्स्ट आपका सनलाइट, ये सनलाइट जो है वो अगेन आपका क्लोरोफिल जो इस लीव के अंदर है वो अगेन आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। तो ये क्लोरोफिल जो इस लीव्स के अंदर है वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, एंड उसके बाद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। नाउ फोटोसिंथेसिस नाम ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर फोटो का मतलब है लाइट से, एंड सिंथेसिस मतलब फूड बनाना, यानी कि लाइट की एनर्जी को यूज कर फूड बनाना ही फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस टर्म भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर लाइट की एनर्जी को यूज कर प्लांट अपना फूड बनाते हैं, एंड इसीलिए ये प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करें तो वो क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स। देखो, अगेन ग्रीन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि जो प्लांट ग्रीन है वो इसलिए ग्रीन होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स में या स्टेम में वो प्लांट को ग्रीन बनाता है, ठीक है। अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है तो वो प्लांट जो होगा वो ग्रीन नहीं होगा, उसका कलर रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, ठीक है, लेकिन ग्रीन नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं कर सकता है। याद करिए, जब मैंने आपको पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ाया था, मैंने आपको कसकटा का एग्जाम्पल दिया था, है ना, कसकटा यानी कि अमर बेल, ठीक है। तो ये जो कसकटा होती है उसमें आपका क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होने की वजह से ये इसका कलर ग्रीन नहीं होता है, एंड ना ही ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। अब फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करेगी यानी कि खुद से खाना नहीं बना सकती, तभी ये दूसरे प्लांट पर पैरासाइट की तरह बिहेव करती है, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन को डिराइव करती है, एंड दूसरे प्लांट को वो वीक बनाती है, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो इसीलिए बार बार ग्रीन प्लांट, ग्रीन पार्ट ये बोलते हैं, क्योंकि जो पार्ट ग्रीन है वो इसीलिए ग्रीन है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एंड क्लोरोफिल अगर प्लांट में प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की एनर्जी को ट्रैप करना बहुत नेसेसरी है, नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगा, एंड वो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है। एंड अगर क्लोरोफिल नहीं तो लाइट एनर्जी ट्रैप ही नहीं हो पाएगी, लाइट एनर्जी नहीं ट्रैप होगी तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इससे पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ज़्यादातर लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, बट अगर आपका प्लांट छोटा होता है तो उसमें स्टेम जो होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, या कोई प्लांट जिसमें लीव्स नहीं है, ठीक है, उसका स्टेम अगर ग्रीन है तो वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे कि आपके कैक्टस को अगर आपने देखा हो तो वो आपका ये जो चीज़ देख रहे हो ये आपका स्टेम होता है, ठीक है, एंड उसमें जो लीव्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं थॉर्न्स में, ठीक है, कांटे इस तरीके से।
तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का वर्क है वो कौन करता है, वो स्टेम करता है, ठीक है। तो देखो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज, आ गया ना, ग्लूकोज C6H12O6 फ्रॉम, किसको यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड वाटर, वाटर में होता है हाइड्रोजन, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी क्यों चाहिए, उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जिससे कि एनर्जी जो है सनलाइट की वो ट्रैप हो पाती है, ठीक है। तो इस कॉल एज फोटोसिंथेसिस। देखिए एग्जाम में अगर आप एक भी लाइन को मिस करेंगे तो उसमें आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगी कि आप इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेशन में हर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में उसको मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि ग्रीन प्लांट, दूसरा ग्लूकोज बनता है, किस चीज़ से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूजिंग सनलाइट, सनलाइट कहाँ से ट्रैप होती है, क्लोरोफिल से। तो सब चीज़ मेंशन कर दी गई है जो जो इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। सो नाउ अभी तक तो हमने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स में होता है, बट लीव्स में भी कहाँ होता है ना, उसकी कौन सी प्लेस है, तो अब हम उसको यहीं पर पढ़ेंगे। हेडिंग देखिए, लिखा है मेसोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। ये तो आपको पता ही होगा कि हर एक लिविंग बींग सेल से बना है, ठीक है, एंड सारी रिएक्शन जो होती है वो आपकी सेल में होती है। एक एक सेल 24/7 वर्क करती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी फंक्शनल है। अगर आपके सेल्स वर्क करना बंद कर देंगे, आप फंक्शन करना बंद कर देंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे एंड नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। वी आर अलाइव बिकॉज हमारे सेल्स 24/7 वर्क कर रहे हैं। सिमिलरली प्लांट्स जो होते हैं, जिस जगह पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, या कहिए जिस सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड बनाना, प्लांट रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके फूड बनाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, दैट इज ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट एनर्जी। नाउ ये जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन से सेल में हो रहा है, तो उसका आंसर है मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ, ठीक। तो मेसोफिल सेल्स एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, जिस सेल्स में आपका फोटोसिंथेसिस होता है उसका स्पेशल नाम दे दिया गया है। उसका नाम क्या है, मेसोफिल सेल्स, क्योंकि प्लांट में तो बहुत सारी सेल्स होंगी, है ना, बट वो सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को परफॉर्म करती है उसका नाम है मेसोफिल सेल्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप उसमें ये बता सकते हैं मेसोफिल सेल्स, या आप बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, और थोड़ा डीप में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो मेसोफिल सेल्स वो सेल्स है जहां पर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। नाउ जब आपने क्लास 9th में सेल का चैप्टर पढ़ा था, तो आपने देखा था कि सेल के अंदर होती हैं ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडीज, प्लास्टेट्स, क्लोरोप्लास्ट, पढ़ा था ना ये सब। अगर नहीं पढ़ा है तो वापस से जाइए, उसको रिवाइज करिए एंड फिर आइए यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था हर एक सेल में होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि मेसोफिल एक सेल है तो इसीलिए उसमें भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, कई सारे ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं। बट क्वेश्चन इज कि कौन से ऑर्गेनेल में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली क्लोरोफिल जो है वो आपका लाइट की एनर्जी को ट्रैप करेगा एंड वहीं पर रिएक्शन होनी है। तो क्लोरोप्लास्ट आपका वो ऑर्गेनेल होता है जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करता है, ठीक है। प्लस क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम एक चार्ट से देखें, तो देखो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। जो थोड़ा कम जानता होगा वो बोलेगा लीव्स में होता है, ठीक है। जिसको थोड़ी और बेहतर नॉलेज होगी वो कहेगा नहीं, लीव्स के मेसोफिल सेल में होता
है ना, जो थोड़ा और नॉलेजफुल होगा वो कहेगा नहीं, मेसोफिल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से है। तो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, लीव्स में। लीव्स में भी कहाँ, लीव्स के मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स में भी कौन से ऑर्गेनेल में, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है। तो क्लोरोप्लास्ट वो आपका ऑर्गेनेल है जहाँ पर आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इसको देखिए आप, मेसोफिल सेल्स आर स्पेशलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो मैंने कुछ गलत बताया नहीं, कंफर्म हो गया ना। तो मेसोफिल सेल्स जो होती हैं दे आर स्पेशलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बॉडी में तो बहुत सारी सेल्स हैं एंड हर एक सेल का अलग अलग काम है। वो सेल जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बनी है उसको हमने नाम दे दिया है मेसोफिल सेल्स, ठीक है। प्लांट्स में बात हो रही है। दीज सेल्स इन द मिडल ऑफ द लीफ कंटेन मेनी क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें भी देखो उन्होंने क्या बोला, इस सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी कि अगर ये मान लीजिए आपका मेसोफिल सेल है तो इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और ये क्या है, मेसोफिल सेल्स, ठीक है। नाउ मेनी क्लोरोप्लास्ट द ऑर्गेनेल दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो देखो मेरी दूसरी बात भी सही होगी, मैंने कहा था कि मेसोफिल क्योंकि एक सेल है एंड सेल में होते हैं ऑर्गेनेल्स, तो वो ऑर्गेनेल जहाँ पर आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है एंड जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ हो गई, तो मैंने आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सही बताया है। द ऑर्गेनेल दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस उसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये आपकी एक्चुअल साइट है। कोई आपसे पूछे कि एक्चुअल साइट क्या है क्लोरोप्लास्ट की, एंड उसमें तीन ऑप्शन दे दिए, मेसोफिल सेल्स, लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट एंड लास्ट नन ऑफ द अबव, तो आप उसमें सबसे एक्यूरेट आंसर डालोगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो लीव्स में भी होता है आपका, मेसोफिल सेल्स में भी होता है एंड क्लोरोप्लास्ट में भी है, बट एक्चुअल साइट जो है यानी कि जहाँ पर एक्चुअली हो रहा है वो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो आपका एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसी में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, तो ये याद भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है तो इसमें ही आपकी फोटोसिंथेसिस होती होगी, है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, इन ग्रीन प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। देखो मेरी ये भी बात सही हो गई, मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वही क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करता है। अब इन्होंने लिखा है विच ट्रैप सनलाइट एनर्जी, बताओ कुछ गलत बताया था मैंने आपको, मैंने यही तो कहा था कि सनलाइट की एनर्जी को क्लोरोफिल ट्रैप करता है, एंड क्लोरोफिल क्योंकि उसको ट्रैप कर रहा है तो उसकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में, तो रिएक्शन होगी कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लोरोफिल इज फाउंड इन वर्चुअली ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी। वो हर ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है उसमें क्लोरोफिल का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आपने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था तो आपने उसमें ग्रीन प्लांट्स पढ़े थे, उसके बाद आपने ग्रीन एल्गी पढ़ा था एंड देन साइनोबैक्टीरिया देखा था, तो इन तीनों में ही आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तभी ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, इट अब्सॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम लाइट, तो लाइट यानी कि सनलाइट की जो एनर्जी है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। देखो ये आपकी लाइट एनर्जी है, ठीक है, एंड क्योंकि हमें एक केमिकल रिएक्शन को करवाना है तो उसके लिए केमिकल एनर्जी चाहिए, तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये आपकी लाइट एनर्जी को, ये क्लोरोफिल है, ठीक है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, बस इतना ही काम है इसका, ठीक है। नाउ इन दिस डायग्राम, यहाँ पर लीफ के एक पार्ट को जूम करके दिखाया गया है कि कैसे सेल्स अरेंज होते हैं, कहाँ पर मेसोफिल सेल है, कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, कहाँ पर स्टोमेटा है, उन सबको यहाँ पर आपको दिखाया गया है जूम करके। जब आप किसी भी लीफ को
कट करेंगे, अगर आप उसको अपनी नेकेड आई से देखेंगे तो ये आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसी लीफ को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालकर देखेंगे तो आपको ये पार्ट बहुत ही इजीली दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लीफ का देखो कैसे कटिंग किया गया है। ये आपकी इस तरह से लीफ है, ठीक है, इसको यहाँ से काटा गया है इस तरीके से, ये देखो, यानी कि उसका ये वाला पोर्शन काटा गया है। देखो ये लीफ का अपर सरफेस, उसके पीछे होगा लीफ का लोअर सरफेस, इन दोनों के बीच का पोर्शन, मिडिल पोर्शन को जूम करके डाला गया है। देखो यहाँ पर गोला बनाया गया ना, इसके बीच के पोर्शन को जूम करके दिखाया गया है। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है। सबसे पहले तो लीफ के सरफेस पे होता है क्यूटिकल। आप कभी भी किसी लीफ पे पानी गिरा के देखिए तो वो पानी जो होता है वो अपने आप से फ्लोट करके बह जाता है। क्यों? क्योंकि जो लीफ होती है उसके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है, एंड ये जो क्यूटिकल की कवरिंग होती है वो वैक्स की तरह बिहेव करती है। नाउ वैक्स क्या होता है, आप सभी ने मोमबत्ती देखी है, तो उस पर अगर कभी पानी डाल के देखो तो वो क्या पानी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है? नहीं, पानी उससे बह जाता है ना। सिमिलरली जो आपका क्यूटिकल है वो भी आपकी वैक्स लेयर की तरह बिहेव करती है लीव्स में, जिसकी वजह से जितना भी पानी उस पर गिरता है वो लीव्स एब्जॉर्ब नहीं करती है, उससे गिर जाता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी सबसे पहले क्यूटिकल की कवरिंग, यानी कि ये सबसे ऊपर का सरफेस की बात हो रही है। नाउ क्यूटिकल के बाद होता है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। ठीक है, लीव्स को किसी भी तरह की इंजरी से या किसी तरह की कट से उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो एपिडर्मिस का होता है। ये आपका वेरी करता है, ये एक से लेकर दो या तीन लेयर में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका वर्क क्या है? प्रोटेक्शन। एपिडर्मिस के बाद आपका आता है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स क्या होती है? वो प्लेस जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होनी है। नाउ मीजोफिल सेल्स फर्दर दो तरह की होती हैं। ठीक है, कैसी? दो तरह की होती हैं मीजोफिल सेल्स। वन इज पैलिसेड लेयर, ठीक है, एंड दूसरी होती है स्पॉन्जी लेयर। नाउ ये जो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखने को मिल रहा है इसी को हम बोलते हैं पैलिसेड लेयर ऑफ मीजोफिल सेल्स। ठीक है, दूसरी जो आपको ये इस तरह के फॉर्म में दिख रही है ओवल शेप में, ये है इसकी स्पॉन्जी लेयर ऑफ मीजोफिल सेल्स। डिफरेंस क्या होता है कि जो एयर स्पेसेस होते हैं वो आपके स्पॉन्जी वाले लेयर में ज़्यादा होते हैं एंड पैलिसेड लेयर में कम होते हैं। ठीक है, तो देखो पैलिसेड लेयर के जो सेल्स हैं वो थोड़े आपस में ज़्यादा क्लोज हैं, जबकि स्पॉन्जी लेयर में एयर स्पेसेस ज़्यादा हैं एंड जो सेल्स होते हैं उसके डिस्टेंट होते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एयर स्पेस है, यहाँ पर भी एयर स्पेस है एंड यहाँ पर इतना एयर स्पेस नहीं होता है अगर हम इसको कंपेयर करें तो। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। बट फोटोसिंथेसिस जो है वो दोनों ही जगह होती है, स्पॉन्जी में भी होता है एंड पैलिसेड में भी होता है। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, क्योंकि हम जानते हैं हर एक सेल में ऑर्गेनेल होता है एंड यहाँ पर हमारे मतलब का जो ऑर्गेनेल है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आपको दिखाया गया, देखिए क्या लिखा है, ये क्लोरोप्लास्ट। फिर ये देखो स्पॉन्जी लेयर में भी देखो ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो मीजोफिल सेल जो होते हैं उसमें आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। देखो कितने सारे हैं, है ना, एक दो नहीं है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एंड सबका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करना। ठीक है, एंड उस रिएक्शन से जो फूड बनता है वो लीव्स में स्टोर होता है एंड उसके बाद बाय फ्लोएम टिश्यू वो आपके दूसरे दूसरे पार्ट में प्लांट के ट्रांसलोकेट हो जाता है। ठीक है, इसको आप अभी आगे पढ़ोगे जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एयर स्पेसेस। ठीक है, अब नीचे आओ, नीचे देखो यहाँ पर दिया गया है गार्ड सेल्स। ये आपको दो गार्ड सेल्स दिए गए हैं, यानी कि ये जो लीफ है ना, लीफ का ये वाला पोर्शन, ये आपकी लीफ का अपर पोर्शन जहाँ क्यूटिकल है एंड ये इसके पीछे का पोर्शन है। ठीक है, तो इसको दिखाया गया है, ये गार्ड सेल है, यहाँ पर गार्ड सेल होता है एंड यहीं पर आपकी होती है स्टोमेटा। ठीक है, यहीं पे आपका स्टोमेटा होता है जो कि ओपन एंड क्लोज होता है डिपेंडिंग अपॉन कि CO2 की एंट्री हो रही है या फिर एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ओपन क्लोज होता रहता है। ठीक है,
तो ये देखिए आपका लोअर एपिडर्मिस है, ये वाला पोर्शन जहाँ पर आपका स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गाइड करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे इसको। एंड ये स्टोमेटा वो जगह है जहाँ से आपका CO2, जो एयर से CO2 आ रहा है, वो इसी स्टोमेटा से आपका, देखो ये आपका CO2 है, ये इधर से एंटर करेगा, ठीक है, नीचे। तो CO2 जो है वो आपका स्टोमेटा के थ्रू, देखो इस एयर स्पेसेस में जाएगा, ये जो आपकी खाली जगह है, एंड उससे फिर वो मीजोफिल सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो आपका वाटर है, वाटर जो होता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू इस एयर स्पेसेस में आता है एंड देन अगेन इसके अंदर चला जाता है। एंड देन जैसे ही वो अंदर गया क्लोरोप्लास्ट के, फिर वहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जो कि है फोटोसिंथेसिस, ठीक। सो नाउ हियर इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन साइड क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक्चुअल केमिकल रिएक्शन हो रही है उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल लिए गए हैं, 6 लिए गए हैं, कितने 6, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिए गए हैं। क्यों लिए गए हैं तो आप खुद देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि कार्बन कितने चाहिए 6, इसीलिए 6 CO2 है, ठीक है, क्योंकि उसमें 6 कार्बन रहेगा। नेक्स्ट इज 6H2O। नाउ क्योंकि ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए वहाँ पर 6H2O लिखा गया है, क्योंकि देखो 6 × 2 कितना होता है 12, तो 12 हाइड्रोजन उधर है एंड 12 हाइड्रोजन इधर, ठीक है। फिर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितनी ज़रूरत है 6, तो वहाँ से वो 6 ऑक्सीजन को भी ले लेगा एंड जितना रेस्ट ऑक्सीजन बचेगा वो एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा स्टोमेटा के थ्रू, क्योंकि आप देखो 6 × 2 यानी कि 12 ऑक्सीजन उधर है एंड 6 इधर है, है ना, 12 × 6 = 18 ऑक्सीजन है, जबकि ग्लूकोज में कितना चाहिए सिर्फ 6, तो बाकी जितना भी ऑक्सीजन होगा वो आपका एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द स्टोमेटा। एंड ये ही ऑक्सीजन जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में रिलीज करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, वो सारे लिविंग बींग को सस्टेन कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हर एक लिविंग बींग को चाहिए ब्रीथ करने के लिए एंड रेस्पिरेशन करने के लिए। एंड ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन परफॉर्म करता है तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, एंड ये ऑक्सीजन पूरे लाइफ को, जो भी अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है उसको चला रही है, या कहिए सस्टेन कर रही है, ठीक है। तो सोचिए ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उनके साथ साथ हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट, तो मैंने आपको बताया ही था कि ग्रीन लीव्स में होता है प्लांट के। देखो अगेन यहाँ पर उन्होंने ग्रीन डाला है क्योंकि ग्रीन होगा तभी उसमें क्लोरोफिल है, एंड क्लोरोफिल है तभी वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर पाएगा, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। देखो लिखा है कि नहीं, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी जो होती है क्लोरोफिल उसको लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, एंड देन ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है आपका क्लोरोफिल का होना, इसीलिए ग्रीन बार बार लिख रहे हैं, ग्रीन लीव्स या ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक। नाउ ये जो आपका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, वो आपके दो पार्ट में होता है, ठीक है। एक पार्ट जो होता है उसको कहते हैं लाइट रिएक्शन, एंड दूसरे पार्ट को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। नाउ क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है लाइट रिएक्शन, यानी कि वहाँ पर सनलाइट की जो एनर्जी है उसका यूज होना है, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। दूसरा जो होता है डार्क रिएक्शन, वहाँ पर आपकी जो लाइट है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट जो लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट बने हैं उसका वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली वो लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, बट डायरेक्टली लाइट की उसको एज सच कोई नीड नहीं होती है, ठीक है। तो जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो आपका दो पार्ट में होता है। सबसे पहला पार्ट वो होता है जहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, जहाँ पर सनलाइट की एनर्जी को यूज़ किया जाता है, एंड दूसरा वो रिएक्शन है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ठीक है, उसमें आपकी लाइट की कोई नीड नहीं होती है, बट लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की नीड होती है, ठीक है।
तो ये आपके दो पार्ट हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन को आपकी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि उसके जो भी प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट है, यानी कि वो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है अगर लाइट ना हो तो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन दैट ब्रिंग अबाउट द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखो फोटोलिसिस, फोटो मतलब अगेन लाइट, एंड लिसिस मतलब होता है टूटना। यहाँ पर टूटना किसका हो रहा है, वाटर का, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होना ही आपका फोटोलिसिस कहलाएगा। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस तो अलग चीज़ है, फोटोलिसिस की भी डेफिनेशन आपसे एक या दो नंबर में पूछी जाती है, साथ में रिएक्शन भी पूछी जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, जो लाइट रिएक्शन है उसमें बेसिकली आपका फोटोलिसिस होता है वाटर का। नाम से ही पता चल रहा है, फोटो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, लिसिस यानी कि ब्रेकडाउन, किसका, वाटर का। तो देखो सबसे पहले होता क्या है, जो लाइट एनर्जी होती है, ठीक है, लाइट एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमको, सन से। ठीक है, उस पर क्लोरोफिल एक्ट करता है एंड देन ये लाइट एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, किसमें, केमिकल एनर्जी। एंड वो जो केमिकल एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है वो यहाँ पर यूज होता है इस वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर होता है वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, एंड इसी प्रोसेस में जो ऑक्सीजन निकलता है वो आपका बाई प्रोडक्ट की तरह यूज होता है, या कहिए बाई प्रोडक्ट की तरह प्लांट से बाहर निकल जाता है स्टोमेटा से। एंड जो बाकी रेस्ट हाइड्रोजन होता है उसको ये डार्क रिएक्शन में यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा एंड फाइनली C6H12O6 बन जाता है। देखो O भी है, C भी है, H भी है। एंड जो यहाँ पर रेस्ट एक्सेस ऑक्सीजन था वो आपका कहाँ से निकल जाता है, स्टोमेटा से, वो इन्वायरमेंट पर चला जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो देखो डार्क रिएक्शन, या इसको बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्यों बोल रहे हैं लाइट इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें लाइट की डायरेक्टली कोई नीड नहीं होती है, बट हाँ लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है उसका यूज होता है। प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट की तरह निकल जाता है, हाइड्रोजन जो इसमें प्रोड्यूस होता है उसको ये लोग यूज करते हैं यहाँ पर। तो देखो डार्क रिएक्शन, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विद द हाइड्रोजन ऑफ लाइट रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6 में। ठीक है, एंड जो ऑक्सीजन यहाँ पर है वो आपका बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट इन अ मेटाबॉलिक पाथवे नोन एज केल्विन साइकिल। जब आप अपनी हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ना होगा कि कैसे CO2 से C6H12O6 में वो कन्वर्ट हुआ है, बट यहाँ पर आपको बस इतना ही जाना है कि किस तरीके से कन्वर्ट होता है, केल्विन साइकिल में एंटर करता है जिससे कि वो CO2 से कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6 में। ठीक है, यानी कि इनऑर्गेनिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ग्लूकोज। तो अगर अब हम फाइनली बात करें कि क्या एक्चुअली में होता है फोटोसिंथेसिस को, या फिर हम कहिए एक समरी में अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को पढ़ें तो वो क्या होगी, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल वो आपके सन, ठीक है, ये आपका सन है, उसकी लाइट को वो ट्रैप करता है। ठीक है, एंड ट्रैप करके इस लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये इतना काम होता है आपका सिर्फ क्लोरोफिल का। फिर इस केमिकल एनर्जी को यूज किया जाता है वाटर, जो कि कहाँ से आ रहा है, रूट से। ठीक है, रूट से जो वाटर आ रहा होता है सेल के अंदर, उस वाटर को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये केमिकल एनर्जी H2O को ब्रेक कर देती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। नाउ यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकल रही वो तो आपकी स्टोमेटा के थ्रू बाहर चली जाएगी, एंड ये हाइड्रोजन जो है वो वापस से आपका डार्क रिएक्शन में यूज हो जाएगा। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड
हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज में, ठीक है। तो यही आपका बस ओवरऑल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। देखो कितनी सिंपल है। सबसे पहले क्लोरोफिल ने सन की एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी जो वो बनती है वो आपके H2O को ब्रेक कर देती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, एंड देन ये जो हाइड्रोजन है वो आपका यूज होता है CO2 के रिड्यूस करने में यानी कि रिडक्शन में। आपने अपनी केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है किसी भी कंपाउंड में अगर आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर CO2 में H ऐड हो रहा है, देखो CO2 में H था नहीं, बट C6H12O6 में आपका 12 हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हुआ है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक। तो अब आप देखिए इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। बताओ मैंने कुछ गलत बताया? मैंने यही कहा था ना कि क्लोरोफिल क्या करती है, लाइट की एनर्जी को ट्रैप करती है। फिर क्या काम होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फिर क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए केमिकल एनर्जी चाहिए, लाइट एनर्जी को नहीं यूज कर सकते, ठीक है। एंड वो केमिकल रिएक्शन है क्या? वाटर का ब्रेकडाउन। एंड वाटर का ब्रेकडाउन का नाम क्या था? फोटोलिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वाटर का जो यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है लाइट की प्रेजेंस में, या कहिए लाइट की एनर्जी को यूज करके, उसको हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट एंड लिसिस मतलब टूटना। लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक होना ही कहलाता है फोटोलिसिस, ठीक है। तो देखो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो केमिकल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो इस वाटर को ब्रेक कर देगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। नाउ ऑक्सीजन जो होता है वो तो आपका निकल जाता है बाई प्रोडक्ट की तरह स्टोमेटा से, एंड जो हाइड्रोजन होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कराने में यूज होता है डार्क रिएक्शन में, ठीक है। मैंने आपको बताया ही था कि डार्क रिएक्शन में लाइट का कोई यूज नहीं होता है, बट लाइट से बनने वाला प्रोडक्ट यानी कि इस लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट जो था हाइड्रोजन, उसका यूज होता है, ठीक है। तो देखो लास्ट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज जो है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, या हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। नेक्स्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये क्वेश्चन आपका एक नंबर या दो नंबर में आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस की साइट पूछते हैं प्लांट में, एंड इसका आंसर जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अकर इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। मैंने आपको ये ऑलरेडी चीज बताई है, ठीक है। तो अब आपको सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक सो। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज स्टोमेटा। नाउ जब आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एनवायरनमेंट से वो मेसोफिल सेल्स में वाया स्टोमेटा एंटर करता है। सिमिलरली जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑक्सीजन, वो भी आपका वाया स्टोमेटा बाहर जाता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। आपने डायग्राम में देखा था, सबसे पहले होता है क्यूटिकल, उसके बाद होती है आपकी एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था मेसोफिल सेल का कौन सा लेयर था? पैलिसेड लेयर, है ना। एंड उसके बाद आपने देखा था स्पॉन्जी लेयर, ठीक है। एंड इसी के नीचे आपका होता है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। एंड यहाँ पर होते हैं आपके गार्ड सेल्स, एंड यही होता है आपका स्टोमेटा। देखो ये स्टोमेटा, ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटा की ओपनिंग है, ठीक है। एंड यही से आपका CO2 अंदर आता है एंड ऑक्सीजन बाहर जाता है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा का काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, बट किस टाइम पे इसको ओपन होना है, किस टाइम पे क्लोज होना है, तो इसकी हम डिटेल में अब बात करने जा रहे हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है एंड कैसा स्ट्रक्चर होता है एंड ऑल दैट। तो देखो दे आर टाइनी पोर्स, बहुत छोटे होते हैं, आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई पड़ेंगे। आप जब इसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखोगे तभी आपको ये दिखाई पड़ेंगे, आंखों से नहीं देख सकते हो।
So they are tiny pores present on epidermal surface of the leaves. देखो ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस. लीफ का ये वाला पार्ट अपर एंड इसके पीछे वाला पार्ट जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस होता है. तो ये लोअर एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस में पाया जा सकता है. किनी किनी में दोनों सरफेस में होता है एंड किनी प्लांट्स में एक ही साइड में होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज गैस एक्सचेंज. यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है. CO2 उसमें अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर आता है. ठीक है, ये तो आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है. जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, दैट इज प्लांट भी आपके सांस लेते हैं. ठीक है, तो उनका जो अमाउंट होता है वो हमारे मुकाबले कम होता है, क्योंकि वो चलते फिरते नहीं है तो उनके पास ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती. इसीलिए उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है. तो बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन को रिस्पायर करते या कहिए इनहेल करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है, CO2 का एंटर होना, ऑक्सीजन का बाहर आना फोटोसिंथेसिस में एंड रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का अंदर आना एंड CO2 का बाहर जाना, ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो आपका स्टोमेटा के थ्रू ही होता है. ठीक है, सो द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट एंड द एटमॉस्फेयर. प्लांट और उसके आसपास के एटमॉस्फेयर में गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो इसके थ्रू ही हो पाता है. नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो वाटर, जो प्लांट में एक्सेस वाटर होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू आपका बाहर निकल जाता है. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं, दैट इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज एंड साथ में ट्रांसपिरेशन, ये दो फंक्शन है आपके स्टोमेटा के. नेक्स्ट देखो, ईच स्टोमा, स्टोमेटा जो है वो प्लूरल होगा. एक जब हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो उसको स्टोमा बोलते हैं. तो ईच स्टोमा इज बॉर्डर्ड बाय टू सेमी सर्कुलर किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स. तो ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है इसी को बोलते हैं स्टोमेटा एंड इसको गार्ड करते हुए दो सेल्स हैं, इसका नाम है गार्ड सेल्स. ठीक है, ये आपके किडनी शेप के होते हैं एंड इनका फंक्शन क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, कब उसको ओपन करना है, कब उसको क्लोज करना है, ये गार्ड सेल्स का फंक्शन होता है. ठीक, नेक्स्ट देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर. अगेन ये तीन नंबर या दो नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे गार्ड सेल आपका क्लोज एंड ओपन करने में हेल्प करते हैं स्टोमेटा को. ठीक है, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा. तो देखो होता क्या है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर, पोर कौन सा, स्टोमेटल पोर, इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स. सबसे पहले होता क्या है, द गार्ड सेल्स स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोस. देखो जब पानी आता है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, तो जब वाटर आपका आता है तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं वो फूल जाते हैं. ठीक है, एंड फूलने की वजह से क्या होता है, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है. ठीक है, सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक. एंड जैसे ही जब वाटर यूज हो जाएगा तो वाटर की कमी हो जाएगी, है ना, तो वो जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं. एंड श्रिंक होने के वजह से वो कैसे हो जाते हैं, इस तरीके से, तो ये जो आपका स्टोमेटा की ओपनिंग है वो बंद हो जाती है एंड जैसे ही पानी इसमें आएगा तो वो फिर से फूल जाएंगे, है ना, तो ये जो पोर है वो फिर से खुल जाएगा. तो इस तरीके से आपका जो स्टोमेटल पोर है उसकी ओपनिंग को गार्ड सेल गवर्न करते हैं. ठीक है, एज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डजंट रिक्वायर CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस. क्योंकि जो आपका वाटर है वो तो कंटिन्यूसली आ रहा है रूट से फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस के साथ साथ वो जो वाटर है ट्रांसपिरेशन के थ्रू आपका लॉस्ट हो रहा है. तो इसीलिए ज़्यादा पानी का वेस्टेज ना हो पाए, लॉस ना हो पाए, इसीलिए जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है प्लांट में तो ये स्टोमेटल जो पोर होते हैं वो बंद रहते हैं, सो दैट ज़्यादा पानी का वेस्टेज ना हो. ठीक है, तो ये है आपका स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग बाय द गार्ड सेल्स.